अभी अभी खाना खा के आई हूँ। पेट बहुत बड़ा बड़ा सा लग रहा है। मैंने सोचा थोड़ी देर सो जाऊँ, फिर उसके बाद वीडियो बनाऊँगी। पर आप सब लोगों को पता है लड़कियाँ मेकअप को कितना इम्पोर्टेंस देती हैं। भले इतने ज़्यादा मेकअप नहीं है, बट फिर भी बाल बिछड़ जाएंगे, इयर रिंग्स हटाना पड़ेगा, ये हटानी पड़ेगी, ये ड्रेस उतारना पड़ेगा। मैंने सोचा फिर दोबारा साड़ी पहननी पड़ेगी। भाई बहनी, इससे अच्छा बैठ के वीडियो बना लो, फिर उसके बाद आराम से कपड़े चेंज कर लो और सो लो। तो आज का टॉपिक ये है, भूल गई। जैसे हम एग्जाम्स में एक दिन रात को बैठ के पूरा पढ़ते हैं, हर चैप्टर कवर कर लेते हैं, पुराने सालों का भी क्वेश्चन पेपर ढूंढ लेते हैं और उसके आंसर भी पढ़ लेते हैं, बट फिर भी एग्जाम में जब हम बैठते हैं तब बिल्कुल याद नहीं आता। तो वैसे मेरे को अभी भी याद नहीं आ रहा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मेरे को शायद कुछ टाइम चाहिए 10 सेकेंड का। क्या बोलना चाहती थी, हाँ याद आ रहा। लाइफ में कभी भी किसी को भी किसी भी चीज़ को धक्का देके फेंकना नहीं चाहिए। ऐसे ही मेरा लाइफ में हुआ है और वो लाइफ मतलब वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो तो भले इंसान नहीं है, वो एक पेट भी नहीं है, वो एक मटेरियल भी नहीं है जिसको मैंने फेंका है। वो मेरा दोबारा लाइफ में मेरे को उसकी ज़रूरत पड़ी है। काश ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, पर जिस चीज़ को मैंने फेंका है उस चीज़ की मेरे को कितना ज़रूरत पड़ी मैं क्या बताऊँ। वो है हिंदी लैंग्वेज। आई एम अ कम्प्लीट साउथ इंडियन गर्ल। मतलब हमारा लैंग्वेज जो होता था वो तेलुगु होता था। हम भले इंग्लिश मीडियम थे बट तेलुगु सब्जेक्ट होता था और हिंदी सब्जेक्ट भी होता था, जिसमें बिल्कुल अक्षर सही बिल्कुल लिखे होते थे। जैसे यहाँ पे लिखे होते तो वैसे लिखे होते थे वहां पर। पर पता नहीं मेरे दिमाग में जाता ही नहीं था और इतना रटती थी, इतना रटना इन द सेंस, आई गेस यू गाइस नो व्हाट इज रटना। रटना इन द सेंस उसी सेंटेंस को 10 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो जब तक वो दिमाग में नहीं जाता। तो वैसे ही मैं रट रट के एक ही सेंटेंस आता होगा उस एक कोई भी क्वेश्चन को, एक ही सेंटेंस आता होगा उसी सेंटेंस को। शायद मैं इतनी बुरी तरह के उसको चेंज करके लिखता था। मैं आज धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिसने मेरे को हर साल हिंदी एग्जाम में पास कराया। मेरे ख्याल से रुक्मिणी मैम को आई थिंक आई शुड सी थैंक्स। भाई बहुत बुरा हाल होता था वो। मैं क्या लिखती थी, मतलब एक होता ना इस तरफ लिखना या इस तरफ लिखना, मतलब गु कहाँ लिखना है, गो कहाँ लिखना है और ई कहाँ लिखना है, ई कहाँ लिखना है, ये सब कुछ हमें नहीं आता यार। मतलब ये मेरे लिए नहीं, ये हर साउथ इंडियन के लिए भी डिफिकल्ट है। बट 10th क्लास में मेरे को पता था आगे जाके हिंदी सब्जेक्ट आने नहीं वाला है। अब मेरा लाइफ में हिंदी होगा भी नहीं और चाहिए भी नहीं। मैंने बोला उस दिन, हिंदी तुम मेरी लाइफ में नहीं आओगे दोबारा। और उस दिन इतना डांस भी किया था, भाई हिंदी नहीं है बस मेरे लिए नाइटमेयर्स और नहीं है। तो मैं बहुत खुश थी, मेरा मार्क्स भी आ गए और 71 मार्क्स भी आए थे। मैथ्स, साइंस एंड फिजिक्स ये सब में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, अबव 90। बट हिंदी में 70 आए थे, बट पता नहीं कैसे आए। मैंने उस दिन कसम खाया, हिंदी तुम दोबारा मेरे लाइफ में नहीं आओगे। पर तीन साल के बाद उसको पता था, वो जितना मैंने उसको डांटती थी, जितना मैं उसको गालियां देती थी, हिंदी में नहीं तेलुगु में देती थी, उसको ये पता था वो दोबारा आएगी मेरी लाइफ में। इस बार मैं उसको फेंकना नहीं, मैं मतलब वो ये सोची थी मैं खुद चाहूंगी। उस टाइम पे हिंदी मेरे को चाहिए करके वो उसने खुद सोचा है, उसको पता था ये सब कुछ। सो आई थिंक एग्जैक्टली आफ्टर 3 ईयर्स आई मेट दिस पर्सन। बट ये नहीं पता था वो यू नो नॉर्थ इंडियन है। भाई जिस दिन मैंने पहली बार देखा, मैंने सोचा बस यही है, इसी से शादी करनी है। आई डोंट नो मेरे को वो साउथ इंडियन है या नॉर्थ इंडियन है और कहाँ से बिलोंग करता है, क्या मेरी लैंग्वेज उसको आता है कि नहीं आता है, मतलब ये सब कुछ डिफिकल्टीज मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। मेरे घर वाले एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे,
मेरा लव स्टोरी के मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, पांच पार्ट वाइज बनाऊंगी, क्योंकि वो बहुत लंबा लव स्टोरी है। मैंने कैसे पटाया, मतलब मेरी फैमिली में कैसे पता चला, उन्होंने क्या कहा जब पता चला तो, और लड़के के वाले की घर वाले ने हाँ बोला कि नहीं बोला, ये सब कुछ मैं एक वीडियो में बनाऊंगी। पर जैसे मैंने हिंदी को धक्का देके फेंका 10th क्लास में, जैसे मैंने जब इसको मतलब पता चला ये हिंदी ही बात कर सकता है, इसको तेलुगु आता ही नहीं है, और मतलब उस टाइम पे भी इंग्लिश हम बात कर लेते थे, पर फिर भी इतना हम अमेरिकन थोड़ी ना है बिल्कुल फ्लुएंट में बात करने के लिए। मतलब अपना लैंग्वेज तो एक मेन होना चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल हों, तो अपना मदर टंग लैंग्वेज में ही बात कर सकते हैं। उसका तो हिंदी था और प्यार तो हमको था, वो तो नहीं करता था हमसे प्यार, बट ज़रूरी तो हमको था। तो हमने उस दिन हिंदी लैंग्वेज को इतना प्यार से बुलाया, भाई काश अगर मेरी तो फ्रेंड होती एक दिन में आ जाती, मतलब पहले से मैंने उसकी रिस्पेक्ट करती, प्यार करती हो तो मेरे को आ जाती जल्दी फटाफट। पर हमने एक बुक खरीदी है उस टाइम पे, हाउ टू लर्न हिंदी इन 10 to 20 days, नहीं हो पाया, मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाया, हमें पढ़ना ही नहीं आता, तो हम सीखेंगे कैसे, हम कैसे उनके मम्मी पापा से बात करेंगे, कैसे उनके दीदी से बात करेंगे, कैसे उनके सपोर्ट हम अपनी तरफ से लेके आएंगे, क्योंकि जब शादी होनी होती है तो सबके सपोर्ट चाहिए होता ना। तो इस बार मैं खुद चाहती थी हिंदी मेरे को आ जाए, बात करना आ जाए, बट ना मेरी फ्रेंड्स हिंदी लोग थे, ना मेरी सर्कल में, ना मेरे फैमिली में कोई भी नहीं थे। मैंने उस दिन सोचा है किसी को ना चाहे वो इंसान हो, चाहे वो मटेरियल हो या कुछ भी हो, धक्का देके फेंकना नहीं चाहिए भाई, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। उस दिन मेरे को लगा है हर बंदे से, हर चीज़ से सबसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, और मैंने नहीं किया तो मेरे को बहुत बुरी तरीके से मैं सफ़र करना पड़ा, तो आप लोग ऐसा मत करिए। तो फाइनली आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से 4-5 साल लगा मेरे को सीखने में। लोग मतलब मेरी जो फ्रेंड्स हैं 6-7 साल पहले जो मेरे को एक सेंटेंस भी बोलना नहीं आता था, मतलब इतना तक नहीं आता था आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है, ये भी मेरे को 10 बार सोचना पड़ता था, आपका बोलना है, तुम्हारा बोलना है, तुम बोलना है या क्या बोलना है। बट फाइनली नाउ आई कैन स्पीक यू नो फ्लुएंटली, मैं फ्लुएंटली बात कर सकती हूँ आप सब लोगों से। बट यस, कहीं कहीं आप लोग फॉल्स निकाल सकते, आपकी जैसे फ्लुएंट और शुद्ध हिंदी नहीं होगा, बट यस मैं बात कर सकती हूँ। तो आज मेरे को एक प्राउड फीलिंग होती है, इट्स नॉट अबाउट यू नो लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, बट एक कल्चर मैंने अलग से सीखी है, एक नया लोकेशन पे आई हूँ, बिल्कुल मेरा घर से दूर है, और नया दोस्तों को बनाया, नया रिश्ते बनाए हैं मैंने, तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा है कि क्योंकि एक लैंग्वेज ने मेरी लाइफ काफ़ी कुछ बदल दिया है। तो आई रियली रियली लाइक पीपल हियर, दे हैव यू नो वेरी ग्रेट वैल्यूज टूवर्ड्स लाइफ, फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स, तो सब अच्छे हैं। तो इसीलिए गाइस कभी भी किसी को भी धक्का देके मत मारना और गालियां मत देना बिल्कुल, और अच्छे से रेस्पेक्ट करिए। तो ये है मेरी हिंदी लैंग्वेज की स्टोरी, मैंने कैसे सीखी है और किस लिए सीखना पड़ा, और कैसे मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को मदद किया है। इट्स रियली रियली यू नो अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो आई गाइस यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। गाइस यू हैव टू लाइक एंड यू हैव टू सब्सक्राइब, बिकॉज मैं यू नो सोई भी नहीं हूँ और यू नो ड्रेस चेंज करके भी नहीं आई हूँ, जिस ड्रेस में थी मैं उसी ड्रेस में मैं वीडियो बना रही हूँ, एंड यू हैव टू लाइक। बाय, टेक केयर, शायद कोई आया मेरे को दरवाजा खोलने जाना है, बाय।